आपको विदाउट ओवन, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल ये चीज़ी पोटैटो कटलेट्स बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली रमज़ान मुबारक में। ये बहुत ही इजी स्नैक्स हैं जो कि आप बना के तो इजीली इनको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लंच बॉक्सेस के लिए, पार्टीज़ के लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स, चिकन है ये मेरे पास बॉयल किया हुआ 1 कप, आपने मोटे मोटे जो हैं इसके रेशे कर लेने हैं। चिकन बॉयल करके इसके साथ ही हमने ये मैश पोटैटोज 1 कप लिए हुए हैं और 1 कप जो है बंद गोभी बारीक कद्दूकश की हुई। अब तीनों चीज़ें, एक एक कप हैं तो तीनों चीज़ों को एक बड़े बाउल में रख के तो इसके अंदर कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 कप मैश पोटैटोज़ हैं, 1 कप बंद गोभी यानी कैबिज है और 1 कप बॉयल्ड चिकन है। चिकन जो है हल्का सा नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था। चाट मसाला डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना। मसाले जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर जो है वो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके बाद ज़ीरा शामिल कर देंगे कुटा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून। हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून और रेड पेपरिका जो है वो 1/2 टीस्पून यानी कि लाल मिर्च। नमक जो है टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। आप कोई भी इसमें रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, कोई भी जो आप आम यूज़ करते हैं वो वाला नमक इसमें यूज़ कर लीजिए। अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसकी एक आपको हार्ड डो बना लेनी है आपने इसका मिक्सचर जो है, और इसको बना के ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए 1/2 घंटा के लिए, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो के मज़ीद हार्ड हो जाए, क्योंकि जब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो फिर ये हमें इसकी थोड़ी सी हार्ड चाहिए जो इसकी ये ऊपर का जो परत है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला ये आपके मैश पोटैटो जो कटलेट्स बनेंगे इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेंगे। चिकन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें से चिकन जो है वो स्किप कर सकते हैं, यानी कि चिकन अगर ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। इसमें शामिल करेंगे हम चीज़ सॉस, और चीज़ सॉस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ सॉस मैंने बहुत दफ़ा बनानी सिखाई है आपको, बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर मैंने ये एक गाजर और आधी शिमला मिर्च ऐड कर दी है, ठंडी की हुई ये हमारी चीज़ सॉस है, और इसको बोतल भर के आप आराम से 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। सैंडविचेस में, पराठा रोल्स में, मुख्तलिफ तरह की फिलिंग्स में आपके बहुत ही काम आती है, इवन आपके पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी आप इसको रख सकते हैं। वेजिटेबल्स डाल के आप 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, विदाउट वेजिटेबल आप 15 दिन के लिए आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स जो इसमें शामिल करेंगे, जो KFC स्टाइल में ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बनाने सिखाए थे, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही आसान है ये ब्रेड क्रम्स बनाने, तो सिंपल आम ब्रेड जो होती है उसके किनारे काट के तो उनके हमने क्रम्स बनाए हैं, और इनको खूबसूरत और फ्लेवरफुल आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के हर्ब्स डाल सकते हैं, फ्लेवर्स डाल सकते हैं, गार्लिक का, जिंजर का या पामिजान चीज़ वगैरह डाल के, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ब्रेड क्रम्स हैं। इनकी रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं मेन कोर्स, इनके मेन रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा हमने मैदा लगाया है, और ये ठंडा किया हुआ हमारा अमेज़ा, इसको हम दो इस तरह से नीचे की परत में आपने थोड़ा सा मैदा लगा के एक इसका पैटी बना के रख लेना है। इसके बाद दूसरा भी इसी तरह का सेम इतनी ही क्वांटिटी का एक पैटी ले लेंगे, उसको भी नीचे से कोट कर देंगे खुश्क मैदे से, कॉर्नफ्लोर से कोट कर दें या खुश्क मैदे से। चलिए ये दो हमने रख दिए। अब ये जो हमने चीज़ सॉस बनाई हुई ठंडी की हुई है, ठंडी कर लेनी है आपने 1 घंटा फ्रिज के अंदर। अगर नहीं है तो म्यूनिस भी ऐड कर सकते हैं आप, स्पाइसी म्यूनिस जो मैंने आपको बनाने सिखाए थे, तंदूरी म्यूनिस, आप वो भी डाल सकते हैं। तो उनका भी मैं लिंक जो है तमाम सॉसेस का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब ये टमाटर स्लाइसेस में काटे हुए हैं, उबले अंडे स्लाइसेस में काटे हुए हैं, इसकी फिलिंग करेंगे हम, और ओनियन रिंग्स रखेंगे यानी कि प्याज के
लच्छे काटे हुए हैं हमने वो डालेंगे, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम ये चीज़ सॉस। चीज़ सॉस से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, यकीन करेंगे आप जब खाएंगे, आपके बच्चे या बड़े खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको दांत दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अब इसके किनारे जो हैं अच्छी तरह से लपेट लेने हैं आपने, हाथों से शेप दे देनी है प्रॉपर, एक पैटी की, एक केक की शेप दे देनी है इस तरह से। ये बेहतरीन सा, ये देखें इस तरह बन गया आपका। अब इसको पहले हम खुश्क मैदे में डस्ट करेंगे, अच्छी तरह से रोल कर देंगे ताकि किनारे जो हैं वो कवर हो जाएं अच्छी तरह से। तो ये देखें ये हमारे बेहतरीन सा ड्राई, इस पे हमने कोटिंग कर दी। अब इसके बाद हमने ये 2 चम्मच मैदा और 1/2 कप पानी का पतला बैटर बनाया हुआ है, बिल्कुल पतला वाला बैटर चाहिए आपको, आपने गाढ़ा नहीं बनाना। अगर नहीं आप बनाना चाहते तो आप 2 अंडे फेंट के उसमें थोड़ा सा दूध मिला के तो पतला बैटर बना सकते हैं। अब ब्रेड क्रम्स जो अभी मैंने आपको बताया है, जो KFC स्टाइल में आपके ब्रेड क्रम्स हैं, या सिंपल आप ब्रेड क्रम्स बना लें जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। एक दफ़ा आप ब्रेड क्रम्स ये बना के रख लेंगे आपके बहुत ही काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए मैं ये एक जो पैटी बन गया है इसको साइड पे रखते हैं और इसी तरह का एक और बना लेते हैं। इसी तरह सारे ही बनाएंगे तो मैं एक और दोबारा से आपको बनाना भी सिखा देती हूँ इसी तरह का। ये 2 हमने पोर्शन में रख ली टिक्कियाँ बना के। अब इनके अंदर टमाटर जो है, टमाटर के बीज निकाले हुए हैं हमने अच्छी तरह से, और अंडा जो है बॉईल करके उसके भी छोटे छोटे स्लाइसेस किए हुए हैं। और इसके बाद इसमें आप चाहें तो मटर की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन एक्स्ट्रा बॉईल करके या टिक्के डाल के इसकी फिलिंग कर सकते हैं, मोजरेला चीज़ के स्लाइसिस की फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी टेस्टी आपकी ये फिलिंग तैयार होगी। आपके पास नहीं है चीज़ सॉस तो आप मेयोनीज की या केचप की फिलिंग भी कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए हैं, आप जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है इस फिलिंग में शामिल कर दीजिएगा। तो इस तरह से प्रॉपर दोबारा से ये देखें मैंने जैसे शेप दी है, देखें इस तरह कॉर्नर आपने जो है अच्छी तरह से इसके सारे जो हैं जोड़ देने हैं ताकि फिलिंग जो है आपकी तलते हुए इसको फ्राई करते हुए बाहर ना आए। अब हम अच्छी तरह से इसको कोट करके, तो मैदा हमने इस पर लगा दिया। मैदा लगाने का एक फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत अच्छी तरह बाइंड हो गया, अच्छी तरह से ये सील हो गया। अब इसके बाद जो बैटर है उसके अंदर दोबारा से इसको कोट करेंगे जैसे हमने पहला पैटी जो है वो बनाया था। बहुत एहतियात से डालिएगा इस तरह से, और दूसरी साइड भी इसकी टर्न कर देंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से लपेट देंगे, कवर कर देंगे, कोट कर देंगे। ये थोड़ी डिफरेंट आपके बनेगी रेसिपी, लेकिन जब आप लोग खाएंगे इसको एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। इसको आप स्पेशल बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज वगैरह, या अपने लंच ब्रंच के लिए भी आप इसको बना के रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखें मैंने ये बनाए हुए, आप इनको इजीली 2 से 3 दिन फ्रिज में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, लेकिन आप इनको फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर फिलिंग है। तो आप इनको फ्रीज ना कीजिएगा, 2 से 3 दिन के लिए आप इस तरह से ही बना के तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको डाल देते हैं फ्रेम। आप आपके पैन जो है जितनी भी उसमें गुंजाइश है उतने ही डालिएगा। अब इसमें 4 की गुंजाइश है तो मैं 4 इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी आपके ये जो पैटी हैं ये तैयार होंगे आपके। अब इसको टर्न कर देंगे, ये देखें हाई फ्लेम पे बनाना है आपने, इनको लो फ्लेम पे नहीं बनाना वरना ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इनके अंदर चला जाएगा तो ये सोगी हो जाएंगे। बस हमने इनको कलर देना है ब्रेड क्रम्स की वजह से, क्योंकि तमाम चीज़ें तो इसमें अच्छी तरह से पकी हुई हैं। तो ये टर्न कर देंगे, सारे ही इस तरह से बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए ये हमारे सिर्फ 2 मिनट में, 1 मिनट एक साइड और दूसरी मिनट में दूसरी साइड हो जाती है इसकी क्रिस्पी। अब ये मैंने बाकी भी डाल दिए इसमें 2 और।
आपने इसको शैलो फ्राई करना है और हाई फ्लेम पे करना है, आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल तकरीबन हाफ कप आपने पैन में डालना है और उसमें आपने फ्राई करने हैं। ये देखें, बाकी भी सारे जो हैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल इंशाल्लाह बनेंगे। इसके साथ आप डिप्स वगैरह कोई भी अपनी पसंद की डिप रख सकते हैं, म्यू गार्लिक सॉस या जो आजकल म्यू चिप जो डिप बहुत ज़्यादा चल रही है, या थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग, या हरी चटनी पुदीने की, धनिया की, या इमली खजूर की चटनी, सिंपल टमाटो केचप, या म्यूनीज और मायो गार्लिक सॉस वगैरह, कोई भी जो इजीली अवेलेबल है आपके पास, आप वो सॉस ही इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको आप डिनर में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये माशाल्लाह से हमारे चीज़ी पोटैटो केक्स जो हैं ये तैयार हो गए हैं। एक काट के आपको दिखा देते हैं, इसके बहुत ही गर्म है अभी, तो मैं इसको काट के फिर भी आपके लिए दिखाती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग अंदर से लग रही है, ऊपर से सुपर क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल। तो ज़रूर ये कटलेट्स बनाइएगा। मैं जाली कबाब बनाऊंगी, बहुत ही मज़े के सुपर क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो चिकन कटलेट्स, जो कि रमज़ान के लिए बहुत ही बेहतरीन है आपके इफ्तार में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ये मेरे पास बॉयल्ड चिकन है और इसको मैंने रेशा किया हुआ है, 1 कप है ये बोनलेस चिकन, इसको 1 कप हमने बॉयल किया हुआ है। और ये मेरे पास बंद गोभी है 1 कप कद्दूकस की हुई, और आलू जो है वो मैंने बॉयल करके मैश किए हैं। तो तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, चिकन, बंद गोभी और आलू। सब्जी आप इसमें अपनी मर्जी की, धनिया पुदीना वगैरह अगर डालना चाहें, या हरा प्याज तो वो भी शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना, सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, आप भुना हुआ कुटा हुआ जीरा भी इसमें शामिल कर रहे हैं, तो मैंने ये सादा जीरा इसमें शामिल किया है। और हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, रेड चिली जो है वो 1 चम्मच जाएगा, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। ज़ीरा जो है वो हमने नॉर्मल आम जो सफ़ेद ज़ीरा होता है, काला या सफ़ेद जो भी मिल जाए वो डाला है। तो अच्छी तरह से तमाम अज़ा को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, तो बहुत ज़बरदस्त ये मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी इसकी कोटिंग जो है वो तैयार करेंगे हम लोग। नॉर्मली कटलेट्स वगैरह जब बनाए जाते हैं तो अंडे से कोट करके तो हम इसको तवे पे फ्राई कर लेते हैं, लेकिन ये जो है इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक तरीका बता रही हूँ। लॉकडाउन में स्पेशली अगर आप लोगों के पास अंडा नहीं है तो फिर आप इनको किस तरह से कोट करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए अब इसके थोड़े बड़े साइज के कटलेट्स बना लेंगे, प्रॉपर अच्छी तरह से शेप दे देंगे। मैं साइज थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ पैटी साइज में, जैसे कि पैटी होता है इस तरह से। दूसरा भी बना लेंगे इसी तरह से। रमजान मुबारक के लिए बहुत ही जबरदस्त इंशाल्लाह मजीद भी रेसिपीज जो हैं वो मैं लेके आ रही हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। ये कटलेट्स जो हैं इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, और इनको आप बना के 10 दिन के लिए कम से कम जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, और फ्रिज में 2 से 3 दिन इजली ये रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा आप फ्रीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आलू हैं इसके अंदर, तो आलू जो हैं उन ज़्यादा दिन जो है वो ठीक नहीं रहते। चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमने ऑयल जो है 1 कप जितना रखा है। अब ये कटलेट जो है जिस तरह से हमने अभी बनाया, प्रॉपर शेप दोबारा से दे रहे हैं इसकी, तो इसके लिए हमने कोटिंग के लिए जो है एक बैटर बनाया है, उसमें बेसन डाला है 2 चम्मच और पानी आधा कप डाल के, कसूरी मेथी मैंने इसमें शामिल की है, जैसे पकौड़ों के लिए होती है सेम उसी तरह से
बड़ी खुशबूदार इसकी कोटिंग तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें हाफ टी स्पून या 1 पिंच जितना सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, नमक भी, लेकिन मैंने इसमें नमक नहीं डाला। नमक जो है ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है हमारे कटलेट्स में, तो इसलिए इसकी कोटिंग में नहीं डाला। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनेंगे आपके ये कटलेट्स, जाली कबाब। और आप इनको बना के हाफ डन करके रख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा फ्राई करके, तो फिर आप इनको रख लीजिए दोपहर में, और जब इफ्तारी का टाइम आए तो उस वक्त आप इनको हाई फ्लेम के ऊपर दोबारा से रीफ्राई कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जाली बनाने के लिए इसकी जो है, आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल जिस तरह आम कबाब होते हैं, ये तो उसी तरह के हैं, तो इन पर जाली या इनके ऊपर जो है क्रिस्पीनेस किस तरह से आएगी, तो उसको बहुत ही आसान तरीका है क्रिस्पीनेस करने का, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी थोड़ा सा ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपने बैटर लेकर ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा डाल देना है, जो कि किनारों पे हल्का हल्का जब टिपकेगा साइडों से निकलेगा, तो वो छोटी छोटी इसकी बारीक सी जालियाँ बन जाएंगी। जब इसको मैं टर्न करूँगी तो आपको फिर ये नज़र आ जाएगा। ऊपर बैटर दोबारा से मैंने डाला है, ये देखें, ये साइडों पे इसके बारीक सी जाली बननी शुरू हो गई है, जो आपके नज़र आ रही होगी आपको। इसी तरह से दूसरा भी टर्न करेंगे तो उसके भी आपको जाली नज़र आ जाएगी। ये देखें, किनारे जो हैं क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल जालीदार। और इसी तरह से दूसरा भी, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, मीडियम पे नहीं करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, सिर्फ इसकी जो हमने कोटिंग है उसको क्रिस्पी करना है। 2 से 3 मिनट और देंगे, ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त हमारे ये जाली कबाब जो हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स में तैयार हो गए हैं। रमज़ान मुबारक में बनाइए, शाम की चाय के साथ बनाइए, मेहमानों के लिए सर्व कीजिए, एज अ एपेटाइज़र आप साइड डिश के तौर पे इनको सर्व कर सकते हैं। ब्रेड चिकन एंड चीज़ पैटीज़ आपके लिए बना रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से चीज़ी, और चिकन का फ्लेवर, बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। चिकन आधा कप ले लीजिए, बंद गोभी 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इतना प्याज ले लीजिए, और 2 टेबल स्पून इतने शिमला मिर्च लेके उस पर हमने मिक्स हर्ब डाले हैं, ओरिगैनो, रोजमेरी वगैरह, या आप सूखा धनिया और ज़ीरा डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ी सी इस पर मैं टमाटो केचप शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून जितनी। आप चिकन टिक्का अगर आपके पास है तो आप चिकन टिक्का जो है उसको भी डायरेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे रेशे करके। ये ओरिगैनो है मेरे पास, ये थोड़ा सा इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं, थोड़ा सा इसको इटालियन टच दे रहे हैं, पिज़्ज़ा टच दे रहे हैं, तो इस वजह से इसमें ये हर्ब्स वगैरह डाल रही हूँ। गार्लिक पाउडर डालेंगे, अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो लहसुन जो है उसकी 1/2 टीस्पून जो है वो आप डाल लीजिएगा पीस के, अच्छी तरह से लहसुन जो है, और अच्छी तरह से अब इसको आपने मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार होती है, इसके अंदर जो चीज़ है आप मेल्टेड चीज़ सॉस भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा मोज़रेला चीज़ के स्लाइस भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और बीज निकाले हुए हैं, ये अभी मैं इसमें चीज़ सॉस शामिल कर रही हूँ 1/4 कप जितनी, और बाद में मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस जो हैं वो ऐड करूँगी। स्लो फ्लेम पे इसको हम बना रहे हैं, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है जूसी रहे। अब आंच बंद कर देते हैं। अब मैंने इसमें मोज़रेला के ये स्लाइसेस डाले हैं, ये देखिए, इससे आपको बहुत ही चीज़ी फ्लेवर आएगा इसका, बहुत टेस्टी आए लगेंगे ये इंशाल्लाह आपको पैटीज़। तो फिलिंग जो है इसको बना के भी आप रख सकते हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिए और उनके किनारे काट लीजिएगा, ब्रेड के किनारे जो हैं वो आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं उनसे,
ब्रेड आपकी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश होनी चाहिए। अब ये ब्रेड के हमने किनारे इस तरह काट के, ये देखें बिल्कुल फ्रेश हो, लचकदार हो आपकी ब्रेड, तो उससे आपके ये जो ब्रेड रोल्स बनेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और चीज़ से, फ्रेश ब्रेड नहीं होगी आपकी, तो ये टूट जाएंगे। चलिए हम सारी ब्रेड जो है इसको हम इसी तरह से बेल लेते हैं। अब ये देखें इसी तरह के तमाम स्लाइसेस जो हैं। अब आपने ब्रेड का ये स्लाइस ले लेना है एक अदद, और इसके अंदर फिलिंग आपने ये शामिल करनी है। फिलिंग आपकी ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। इसमें मोजरेला के जो हैं स्लाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं, मोजरेला चीज़ जो है उसको आप जो स्लाइसेस में मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं, और श्रेड करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। अब चारों किनारों पे अच्छी तरह से पानी लगा देंगे, और ब्रेड के दरमियान में जो है वो हमने फिलिंग रखी है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे पहले सामने से फिर ऊपर से, और अच्छी तरह से आप हाथ से प्रेस कर देंगे बहुत अच्छी तरह से, और पानी लगा लगा के आप थोड़ा सा इसको हैंडल कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत आसानी से सेट हो जाएगा ये आपका पैटीज जो है। तो ये बहुत अच्छा हमारा ब्रेड पैटीज जो है रेडी हो गया है। हल्का हल्का मैंने इस पे पानी लगाया है, पानी में आपने डिप नहीं करना। अगर पानी में डिप करेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और फ्राई करते वक्त टूटने का भी डर होता है, तो फ्रेश ब्रेड इस वजह से आपके बहुत काम आएगी। अब इस पे आपने अंडे की कोटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने इस पे पानी लगाया है, तो इसलिए डायरेक्ट ही हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने आपको बनाने सिखाए हैं ये वाले, जो मैकडोनल्ड और KFC में यूज़ किए जाते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। इसी तरह से सारे बना के आप इनको 1 महीने के लिए फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसको फ्राई करने के लिए। तो हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी जो हैं इसमें पकी हुई हैं, और हमने सिर्फ इसको कलर देना है ब्रेड क्रम्स का और क्रिस्पी करना है। तो इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। अगर आप स्लो फ्लेम पे करेंगे तो ये ब्रेड जो है ये ऑयल बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेगी अपने अंदर, और ये आपके क्रिस्पी नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम पे जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही कड़क और क्रिस्पी आपके ब्रेड पैटीज तैयार होंगे। कलर देखें ये कितना खूबसूरत आ गया है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आपके ये फ्राई हो जाते हैं। रमज़ान में इफ्तार में आप ब्रेड ये वाले पैटीज बना सकते हैं, या सहरी के लिए बना सकते हैं, या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, ईद की ट्रॉली के लिए बना सकते हैं, एज अ एपेटाइज़र यानी पार्टीज़ वगैरह के लिए, बर्थडे पार्टीज वगैरह के लिए, किसी भी फंक्शन में बेस्ट आइडियल रेसिपी है। ये मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। इसमें चीज़ भी मेल्ट हुआ है, और ये चिकन भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चीज़ी हमारे ये चिकन ब्रेड पैटीज तैयार हैं। आज हम बहुत ही क्रंची क्रिस्पी वेज डोनट्स बच्चों के लिए बना रहे हैं, जो कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त कहते हैं कि स्पेशली कोई अच्छी सी चीज़ हो। तो आप लॉकडाउन में अपने घर में रहते हुए तमाम अज्जा हर घर में आसानी से मिल जाएंगी, तो इसी तरह के डोनट्स जो हैं वो आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, सुपर क्रिस्पी टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम 2 टेबलस्पून ऑयल में 1 कप उबले हुए आलू शामिल कर रहे हैं। इसके साथ हम बंद गोभी और गाजर शामिल कर रहे हैं इसमें 1-1 कप जितनी, और इसके साथ ही शिमला मिर्च बीज निकाल के बारीक कटी हुई वो भी 1 कप इसमें डाल देंगे। चारों चीज़ें जो हैं 1-1 कप डाली हैं। आलू मैश किए हुए बॉयल किए हुए 1 कप हैं, बंद गोभी 1 कप है, और शिमला मिर्च और गाजर भी 1-1 कप है। बारीक जो है आप इनको कद्दूकश कर लें या इनको चॉप कर लें। बच्चे अमूमन सब्जी नहीं खाते, तो उनके लिए इसमें चिकन का फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चम्मच जो है वो चाट मसाला डालेंगे। चिकन पाउडर के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। बाज़ जगह पे चिकन पाउडर नहीं अवेलेबल होता, तो आप लोग इसकी जगह पे चिकन क्यूब डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना इसमें सोया सॉस ऐड किया है मैंने।
चाइनीज टच देने के लिए, इसको बड़ा ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा इसमें सिरका भी शामिल कर देंगे। सिरका जो है ये भी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग जो है आपकी तैयार हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। स्लो फ्लेम के ऊपर कुक कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब्जियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी इसमें क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस भी आए, तो उस वजह से स्लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करके तो अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़े से मसाले जो हैं वो मज़ीद शामिल करेंगे इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। अब इसमें थोड़े से कॉमन आम जो मसाले होते हैं, सूखा धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड करेंगे। तो सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च जो है वो अपनी पसंद से, रेड पेपर जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेड पेपर की जगह आप ब्लैक पेपर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको मैंने फ्रिज में रखा था, तो अब ये देखें प्रॉपर ये ठंडा हो गया। बहुत अच्छी इसने बाइंडिंग ये देखें अच्छी हो गई है इसकी। तो अब इसके आपने डोनट्स बनाने हैं, तो पहले एक बड़ी सी जो है पैटी जैसे होती है इस तरह का बना देंगे इसको, और इसके अंदर उंगली की मदद से एक सर्कल बना लेंगे और इसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब से शेप दे देंगे प्रॉपर, थोड़ा बड़ा साइज दे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये शेप देखें तैयार हो गई है। तो अंडा हमने एक फेंट के रखा हुआ है और इसके साथ उसमें 1 चम्मच जो है मैदा शामिल किया था ताकि इसकी जो है कोटिंग अच्छी हो जाए। एक अंडा और 1 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल किया है। अगर आप अंडा ना भी डालें तो उसकी जगह पे 2 चम्मच मैदा और 1/2 कप पानी का पतला बैटर बना के उससे भी डीप कर सकते हैं। लेकिन शेप देते वक्त आपने ख्याल रखना है जब ब्रेड क्रम्स भी लगाएंगे ऊपर तो साथ साथ आप उंगली की मदद से इसका जो सर्कल है उसको सेट करते जाइएगा इस तरह से। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये डोनट तैयार हो गया है। तो एक और बना लेते हैं इसी तरह का। आम टिक्की या आम जो कटलेट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा साइज का हम एक बॉल बनाएंगे और उसको दरमियान से सर्कल करेंगे। ये देखें सर्कल जो है वो एहतियात से करना है कि किनारे जो हैं वो इसके टूटे ना। अब इसको पहले अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे। 2 से 3 दिन के लिए आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं और 8 से 10 दिन, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना करिए क्योंकि इसमें आलू हैं, तो आलू जो हैं वो ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज करने के लिए मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि इससे पानी छोड़ देते हैं और आपका जो जो भी चीज़ बनाएंगे वो ख़राब होने का डर होता है। कोशिश करें फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही इनको खा लीजिए। इसी तरह से तीसरा बना लेंगे। ये देखें प्रॉपर अब आपको समझ आ गई होगी, शेप इसकी बहुत आसानी से दी जाती है। अगर आप फ्रिज में रख लेंगे तो ये मिक्सचर जो है बहुत आसानी से हैंडल हो जाएगा। अगर आपके पास सब्जियां नहीं भी हैं तो आप सिर्फ आलू की मदद से भी ये डोनट्स बना सकते हैं। सिर्फ आलू के भी आप ये डोनट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से सारे ही जो हैं डोनट्स मैं तैयार कर लूँगी। इसमें तकरीबन 6 डोनट्स जो हैं वो हमारे बनेंगे। तो इसी तरह से बना के आप इनको ट्रे में रख के 2 से 3 दिन के लिए जिप्लॉक में या किसी एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रख सकते हैं और 1 हफ्ते भर के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लेंगे। जो ही इनका कलर जो है सुनहरी होना शुरू होगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और इसमें चिकन का फ्लेवर देने के लिए अगर आप चिकन डालना चाहें तो चिकन बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर चिकन नहीं है तो आप चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बच्चे अमूमन आपको पता है सब्जियां शौक से नहीं खाते, तो इस तरह से अगर आप उनको सब्जियां जो हैं कटलेट्स या डोनट्स की शक्ल में उनकी फेवरेट शेप्स में देंगे तो ज़रूर खाएंगे उनको। ये देखें बहुत ही सुपर क्रिस्पी क्रंची हमारा ये डोनट्स तैयार हो गए। ये देखें
इनको केचप के साथ, मेयोनीज के साथ, या चिली गार्लिक सॉस के साथ, या इमली खजूर की चटनी के साथ, या दही पुदीने की चटनी, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें क्रिस्पीनेस इसकी, चेक करें कितनी क्रिस्पी है ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी, और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, ये सॉफ्ट और टेस्टी फ्लेवरफुल। कलर आप अपनी मर्जी से इसका लाइट या डार्क, जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह का कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे रही हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। टोटल जो है ये 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं। ये देखें इनका फाइनल लुक कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त, इनमें से बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। एक आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी हमारे वेजी डोनट्स जो हैं तैयार हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आएंगे। तो आज ही बना लीजिए, इफ्तार में बनाइएगा, या आप किसी भी मौके पे इवनिंग स्नैक्स में शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। आज हम ब्रेड पिज़्ज़ा रोल रमज़ान स्पेशल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तारी में बनाएं या सहरी में, दोनों में ही बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये इवनिंग स्नैक्स आपके लिए हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फिलिंग स्टार्ट करेंगे। फटाफट से 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल के इसमें हमने एक दरमियाना प्याज डाला है, उसको हल्का सा सोते कर लेंगे। जो ही प्याज सोते हुआ तो उसमें ज़ीरा डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया हमने एक एक चम्मच जितना, चाट मसाला डाल दिया एक चम्मच जितना, थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला डाला है, और ये चिकन टिक्का के चंक्स हैं जो कि इसमें ऐड किए हैं हमने, और ये मिक्स सब्जियां हैं, आप सब्जी कोई भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने गाजर शिमला मिर्च डाली है और टमाटर ऐड किए हैं और झटपट से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको भी। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप डाल लीजिएगा। सोया सॉस 2 टेबल स्पून डाला है, पिज़्ज़ा सॉस 2 टेबल स्पून डाला है इसमें, और सिरका डाला है 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही चटपटा आपका यह पिज़्ज़ा फिलिंग तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, इससे आप बहुत सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। होममेड चीज़ सॉस है मेरे पास 4 टेबल स्पून, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसकी आँच बंद कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बंद गोभी। आँच हमने बंद कर दी है, बंद गोभी जो हमें क्रंची रखनी है इस वजह से लास्ट में डालेंगे, और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी बेहतरीन सी फिलिंग जो है पिज़्ज़ा रोल्स की रेडी हो गई है। इसको आप बना के तो डब्बा भर के रख भी सकते, अच्छी तरह से जब ठंडी हो जाएगी इस तरह से, तो फिर आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल के इसको हफ्ता भर के लिए फ्रिज में, और 15 से 20 दिन के लिए इजीली आप फ्रीज कर सकते हैं। तो ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में ये फिलिंग तैयार हो के तो आपके काम आ सकती है। तो आप इसको मेक एंड फ्रीज करके इजीली यूज़ कर सकते हैं रमज़ान मुबारक में। तो अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो ब्रेड हमें सॉफ्ट और फ्रेश ब्रेड ली है और इसके किनारे काट लिए हैं जिस तरह नॉर्मल ब्रेड के काटे जाते हैं, और इसको अच्छी तरह से बेलना है आपने, पतला बेलना है, बहुत ही थिन बेलना है आपने। ये देखें बहुत पतली हमने इस तरह से ब्रेड जो है उसको बेल लेना है। ब्रेड आपकी बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट होनी चाहिए। इसी तरह से ये सारे स्लाइसेस जो हैं इनको मैं बेल लेती हूँ। मैं एक और आपको बेल के दिखा देती हूँ। ये देखें आपने दबा के अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, और किनारे जो हैं उनको भी खास तौर पे। तो इसी तरह से सारे ब्रेड जो हैं ये देखें मैंने इस तरह से बेल लिए हैं। अब इसमें फिलिंग कैसे डालनी है ये देखें, इसको एक स्लाइस को हमने रखा जिस तरह से, ये सारे स्लाइसेस हैं इस तरह से, एक स्लाइस इसको लंबाई के रूप में रख के थोड़ा थोड़ा इसके किनारों पे हम पानी लगा देंगे। चारों तरफ हमने पानी लगा दिया। अब हम फिलिंग जो हमारी ठंडी हो गई है इसको दरमियान में रखेंगे। फिलिंग ज़्यादा सारी डालिएगा तो फिर आपके ये ब्रेड रोल्स बहुत ही मज़े के लगेंगे। ज़्यादा सारी फिलिंग डालेंगे तो बच्चों को भी पसंद आएगी, पेट भी भरेगा और फायदेमंद भी रहेगी, यानी कि इसका फ़ायदा भी तो रहेगा पेट भरने से। और इसको अब हम
एक साइड से पहले टर्न करेंगे और फिलिंग को अंदर अच्छी तरह से दबा देंगे, और दूसरा किनारा जो है ऊपर रख के तो हाथों में लेके प्रेस कर देंगे। किनारे थोड़े थोड़े निकल रहे हों तो पानी लगा के उनको दबा दीजिएगा। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको दबा देना है। तो ये आपके ब्रेड रोल्स जो हैं पिज़्ज़ा रोल्स के, ये अच्छी तरह से पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। पानी आपने अच्छी तरह से किनारों पे लगाना है और ख्याल रखना है। ये दोबारा मैं दूसरा बनाना सिखा देती हूँ। ये देखिए किनारे हालांकि मेरे थोड़े थोड़े टूटे हुए हैं, लेकिन मैं इनको सेट कर लूँगी पानी की मदद से। तो ये देखिए पानी जब लगाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड और आसानी से हैंडल हो जाती है। ये देखें इस तरह से लगाएंगे किनारों को और दूसरे किनारे भी ऊपर रख के हाथों में जब आप दबाएंगे तो ब्रेड खुद ब खुद जो है वो अच्छी तरह चिपक जाएगी। किनारे जो होते हैं उनको अच्छी तरह दबा दीजिएगा ताकि ऑयल ना इन पे लगे। अब एक अंडा हमने फेंट लिया है, अंडे में हमने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ उसको अच्छी तरह से बीट किया है। आप ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, जिससे भी आपको आसानी है उससे लगा लीजिएगा। अब ब्रेड क्रम्स जो मैंने आपको KFC मैकडोनल्ड स्टाइल में बनाने सिखाए थे, ये ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास पड़े हुए, और आप हाथ की मदद से लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे इस पे ब्रेड रोल्स पे अंडा। ये देखें मैं जैसे कोट कर रही हूँ बस इस तरह से आपने इस पे लगाना है। अगर आप अंडा इसके अंदर डिप कर देंगे तो ब्रेड ऑलरेडी हमने सोक की हुई, थोड़ा थोड़ा पानी लगाया हुआ है, तो ये आपके ब्रेड रोल्स टूट जाएंगे। तो आपने हाथ की मदद से इनको लगा के तो फिर अच्छी तरह दबा के ब्रेड क्रम्स के ऊपर अच्छी तरह से इनको चारों साइड से कॉर्नर्स वगैरह भी देख के तो उनपे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आपके ये ब्रेड रोल्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। अभी एक और बना लेते हैं। ख्याल आपने बार बार यही रखना है कि ब्रेड जो भी है उसको हाथ से आपने अंडा लगाना है। दोबारा से बनाना बता देती हूँ मैं। ये देखें हाथ से अंडा ऊपर कोट करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अगर आपको अंडा नहीं इस पे चिपक रहा होता है तो 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है ताकि अंडा अच्छी तरह से इस पे चिपक जाए। अब ये देखें बहुत अच्छी तरह से इस पे कोट कर दिया, अंडे की कोटिंग कर दी, और किनारों को भी दोबारा से प्रेस कर दिया ताकि ऑयल वगैरह जब फ्राई करेंगे तो ऑयल ना अंदर जाए। दोबारा से ये देख लीजिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स मज़ीद डाल के और इसको प्रेस करना है। ब्रेड क्रम्स थोड़े थोड़े डाल के तो फिर आप रख लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा सारे ब्रेड क्रम्स में इनको रोल करेंगे तो आपके सारे ही ब्रेड क्रम्स एक ही बार में सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। आप इनको बना के 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब ये ऑयल हमारा हाई फ्लेम पे है, हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम पे फ्राई करने का फ़ायदा ये रहेगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। तो मैं बाकी भी जो हैं वो इसी तरह से इनको फ्राई कर लूँगी। आँच हमारी हाई फ्लेम पे है और जब ही इनका कलर आने लगेगा तो हम इनको टर्न कर देंगे। ये 1 मिनट के बाद मैं इनको चेक करूंगी कि अगर इनका लाइट सा कलर आया है तो इनको दूसरी साइड जो है इसकी टर्न कर देंगे। अगर आपका चूल्हा बहुत तेज है तो आप मीडियम फ्लेम रख लीजिएगा। बाज़ लोगों के चूल्हे का हिसाब होता है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हो जाती है गैस का बर्नर, और बाज़ का जो है वो मीडियम भी जो है वो हाई की तरह होता है। तो मेरा जो है ये हाई थोड़ा स्लो वाला है, तो आप अगर मीडियम पे रखना चाहें तो मीडियम पे रख लीजिएगा। ये देखें अब थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर जो है सुनहरी होना शुरू हुआ है, तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। अब मैं इनको इस साइड से भी क्रिस्पी होने दूंगी। फर्स्ट टाइम अगर हमारा चैनल देख रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखें 2 से 3 मिनट में ये क्रिस्पी और क्रंची हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये क्रिस्पी हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड रोल्स जो हैं रेडी हो गए। तो मैं आपको निकाल के, ये देखें इसको काट के दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी और क्रंची ये माशाल्लाह से बना है। एक दरमियान से काटते हैं, बहुत ही गर्म है अभी, लेकिन मैं आपके लिए काट के ये दिखा रही हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी अच्छी है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से ही, सेम जिस तरह मैंने आपको ये बनाने बताए हैं। फिलिंग अगर आप कोई भी डालना चाहें, किसी भी सब्जियों की डालना चाहें, या चिकन टिक्का की जो मैंने फिलिंग आपको बनानी सिखाई थी वो आप डाल सकते हैं।
या जस्ट आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है आप वो फिलिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड रोल्स तैयार हैं, बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आते हैं। तो आज ही बना लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आज की यह रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चिकन टोस्ट बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के बच्चों के लिए नाश्ते की रेसिपी। सबसे पहले आपने 2 चम्मच जितना ऑयल ले लिया एक सॉस पैन में, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच जितना। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमारा सॉस पैन हमने पैन रखा हुआ है। थोड़ा सा सौते करेंगे लहसुन अदरक को, और 1 कप चॉप किया हुआ ऑनियन, या आप 2 बड़े ऑनियन चॉप करके डालेंगे। नमक, ओरिगैनो, ज़ीरा, हल्दी, रेड पेपर 1-1 चम्मच जितना ये शामिल कर देंगे इसमें। बहुत ही झटपट ये स्प्रेड बन जाती है, इसको आप बना के रख सकते हैं सैंडविचेस वगैरह के लिए भी, फिलिंग किसी में भी कर सकते हैं, बच्चों को पराठा रोल में भी बना के दे सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह में भी, और 1 हफ्ते के लिए तो बेहतरीन ये फ्रिज में रखी जा सकती है। अब 2 कप हमने चिकन जो है, चिकन का कीमा बॉयल किया हुआ वो डाला है, उसमें हमने 3 हरी मिर्चें जो थी वो भी डाल के पीस ली थी। अब मैं इसके अंदर चिकन पाउडर 3 चम्मच और 3 चम्मच ही मैदा डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। मैदे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर जो है वो डबल टेस्टी हो जाएगा। चिकन पाउडर जो है ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें। इसके अलावा ये लेमन जूस और केचप 2-2 चम्मच जितनी मैंने इसमें ऐड कर दी। बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग बनती है, यकीन जानिए आप बहुत सी चीज़ों में इसको, इवन अगर आप बाइंडिंग करके कटलेस भी बना लें इसके, तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके कटलेस इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको बनाने सिखाऊंगी। चलिए अब इसको ठंडा करके साइड पे कर लेते हैं। इस तरह चम्मच से अब इवनली कर लेना है आपने सारा मिक्स। झटपट सिर्फ ये 3 से 4 मिनट में हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। ये देखें इसकी बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त है। यही फिलिंग जो है वो चिकन पैटीज में भी आप डाल सकते हैं, और बच्चों का मिनी पिज़्ज़ा अगर बनाना चाहें तो उसके ऊपर भी फिलिंग लगा के तो मोज़रेला चीज़ डाल दें, बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये देखें ये ब्रेड के ऊपर इस तरह आपने इसको ये फिलिंग को फैला देना है। इस तरह से मैंने ट्राइंगल्स काटे हुए हैं, आप इस तरह स्क्वायर भी रख सकते हैं। अब आपने फटाफट से इसको ब्रेड क्रम्स लगाए, और साथ ही आपने एग वॉश करके इसको, एग की कोटिंग करके, तो बस फटाफट से एग में डिप करके तो ब्रेड क्रम्स लगा के आपने इस तरह से इसको बना के रख लेना है, और झटपट बस फ्राई करना है। आप शाम को भी बना के रख सकते हैं, और सुबह लंच बॉक्स में बच्चों को देने के लिए झटपट आप इनको सिर्फ फ्राई कर सकते हैं। ये देखें मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक आप इसको टर्न नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ऑयल जो है इनमें अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, अगर आपने आंच हल्की की हो। चलिए ये देखें जितने भी मेरे इस पैन में आ सकते हैं मैं इसमें डाल के तो इनको क्रिस्पी कर रही हूँ। इस बाद में आपको इनको काट के भी दिखा देंगे, अंदर से बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है। स्लाइस जो है एक मैंने इसके ऊपर रखा है, और एक स्लाइस जो है सैंडविचेस की तरह मैंने इनको दरमियान में बाइंडिंग कर दी है इसकी फिलिंग की। आप रोल की तरह भी इनको बना सकते हैं, ट्राइंगल्स भी बना सकते हैं, नगेट्स की तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप इस फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। मैं इस फिलिंग से आपको इंशाल्लाह 2-3 चीज़ें मज़ीद भी बनानी सिखा दूँगी, जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, या हस्बैंड्स वगैरह को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, या शाम की चाय के साथ भी आप इसको फ्राई करके मेहमानों के आगे या ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए ये हमारे तैयार हैं, तो डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखा देते हैं इसकी। ये देखें क्रिस्पी एंड क्रंची हमारे ये बाइट्स तैयार हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।